अमीर कुक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूजी पटेटो कटलेट्स। तो चलिए बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक बाउल दही, इसको मैंने मिक्सिंग बाउल में डाल लिया है, और अब मैं इसमें डालूंगी आधा बाउल सूजी, और इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मैंने मिक्स कर लिए हैं, और इसको अब मैं रख दूंगी 15 मिनट के लिए। और ये मैंने बॉइल पटेटो ले लिए हैं, और इनको अच्छे से हम मैश कर लेंगे इस टाइप से। ये देखिए, ऐसे पूरा फाइनली मैश करना है। और ये देखिए, कढ़ाई पे तेल गर्म किया है मैंने, एक टेबल स्पून मीडियम आँच रखी है, और उसमें मैंने सौंफ डाल दी एक चम्मच, और मैंने कच्ची मूंगफली को क्रश कर लिया था। तो अब मैं कच्ची मूंगफली के जो क्रश वाला पाउडर है वो डाल दूंगी। ये देखिए मैंने डाल दिया, उसको करीब हमें 30 सेकेंड तक ऐसे ही चलाना है। ये अच्छे से भुन जाएगा जो हमारा मूंगफली का पाउडर है ये। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से भुन गया है। और अब मैंने इसमें दो हरी मिर्ची डाल दी है काट के, और ये मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज कट करके डाल दी है बारीक, और ये मैंने बारीक गाजर कट करके डाल दी। दो गाजर मैंने मीडियम साइज़ की ली थी, और इनको अच्छे से अब हम करीब एक मिनट तक सिकने देंगे। और ये एक मिनट हो गया है, और अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, हल्दी एक चम्मच, और ये धनिया पाउडर दो चम्मच, और इसको अच्छे से चलाएंगे। और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक भी डाल देंगे। और अब हम इसमें ये आलू का मिक्सचर डाल देंगे, और अच्छे से इसको चलाएंगे। करीब हमें इसको एक मिनट तक चलाना है। और ये देखिए मिक्स हो गए हैं पोटैटो अच्छे से इसमें सारे। और इसमें अब हम धनिया पत्ती डाल देंगे बारीक कटी हुई, उसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी आलू की सब्जी रेडी हो गई, जो कि हमें सूजी में फिल करनी है। चलिए अब सूजी का घोल देख लेते हैं। और ये देखिए सूजी का घोल काफ़ी गाढ़ा हो गया है, और अब मैं इसमें आधा कप पानी डालूंगी। थोड़ा सा इसको पतला करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक है अभी। तो इसको पानी डाल के अच्छे से पतला कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें पतला भी नहीं करना है इसको। जैसे हम पकौड़े जब बनाते हैं, जिस टाइप की कंसिस्टेंसी रखते हैं हम बेसन की, वैसे ही हमें इसे रखना है। और अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच इनो पाउडर, पूरी भर के हम डालेंगे। और ये मैंने एक चम्मच इनो पाउडर डाल दिया है, और इसको धीरे धीरे हाथों से मिलाएंगे। बहुत ज़्यादा ज़ोर से हमें नहीं मिलाना है, धीरे धीरे स्लोली हम इसको मिक्स करेंगे। और ये आप देख सकते हैं सूजी में कैसे बबल्स आने लग गए। सूजी भी रेडी हो गई है, और ये देखिए कबीर भी आ गया हेल्प करने। और ये देखिए कबीर ने जो पोटैटो की हमने सब्ज़ी बनाई थी, आलू की जो सब्ज़ी बनाई थी, उसके ऐसे सिलेंडर शेप दे दिया है, थोड़ी सी हेल्प करी है देखिए, बट मेरे लिए बहुत है वो। तो इस तरीके से हमें ऐसे सिलेंड्रिकल शेप देनी है। अब मैं आपको अपने हाथों से करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हम पोटैटो को लेंगे हाथों में, और इसको हम एक सिलेंडर टाइप का शेप दे देंगे ऐसे। ये आप देख सकते हैं। और अब मैं दो ग्लास लूँगी, उन ग्लासेस में सबसे पहले मैं ऑयल से पूरा ग्रीस कर लूँगी उनको। अगर आपके पास ब्रश हो तो आप ब्रश की हेल्प से अंदर ग्रीस कर लीजिए, मेरे पास नहीं है तो मैं उंगलियों की सहायता से ही इसको ग्रीस कर लूँगी। सारे में हमें ऑयल को अच्छे से ग्लास में अंदर लगाना है, इससे जब हम इसमें सूजी का घोल डालेंगे और जब ये पकेंगे तो इसमें जो सूजी है वो चिपकेगी नहीं। तो इस तरीके से सारे में मैंने ये जो तेल है वो अच्छे से फैला दिया है, आप देख सकते हैं अंदर। और हमारे दोनों ग्लास रेडी हैं। अब हम इनमें सूजी का जो घोल है वो डालेंगे, आधा आधा ग्लास ही हम डालेंगे अभी, और बाकी का हम जब आलू सब्जी के जो सिलेंडर्स बनाए हैं उनको डालने के बाद डालेंगे बाकी का घोल। तो ये देखिए अब इस तरीके से हमें घोल डालना है, और ये मैंने आलू के सिलेंडर्स भी इसमें डाल दिए हैं, बाकी का बचा हुआ घोल भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। और ये ग्लास रेडी हो गए हैं, और हम कुकर में दो ग्लास पानी को बॉईल करेंगे। जब ये बॉईल होने लगे तो हमारे जो ग्लासेस हैं जिनमें मैंने सूजी का घोल डाला था वो हम इसमें रख देंगे। और गैस की जो फ्लेम है हमें मीडियम पर रखनी है, कुकर के ढक्कन से सीटी हटा देनी है, और इसको हमें 20 मिनट तक बॉईल करना है। और ये 20 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको खोल के देखूँगी, और एक टूथपिक लेके जो हमारी सूजी है उसमें डाल के देखूँगी। अगर ये पके नहीं होंगे तो इसमें सूजी चिपक के आ जाएगी बाहर। तो ये देखिए बिल्कुल क्लीन हमारी टूथपिक बाहर आई है, इसका मतलब है कि ये हमारी जो सूजी है अच्छे से पक गई है। और अब इन ग्लासेस को हम बाहर निकाल लेंगे कुकर से, और इन ग्लासेस को हम ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। उसके बाद फिर हम इन्हें एक चाकू में थोड़ा सा घी लगा के, इस तरीके से घी लगा के चारों तरफ फैलाएंगे इसके, चारों तरफ से इसे कट करेंगे ग्लास के अंदर, जिससे कि अगर सूजी चिपक गई हो तो वो हट जाए। और इससे ये जो हमारा सूजी का घोल जो हमने डाला था वो बहुत ही अच्छी शेप में निकलता है। ये देखिए कितने अच्छे से निकल आया है बाहर,
ये देख सकते हैं कितना सुंदर सिलेंडर बाहर आया है इसका। और ऐसे ही हम दूसरे ग्लास में भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। और ये देखिए ये भी निकल आया है, ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से पक गई है सूजी सब तरफ से। और अब हम इन्हें चाकू में फिर से तेल या घी लगा के इनको राउंड शेप में कट कर लेंगे। ये देखिए आप, ऐसे हम कट करेंगे, धीरे धीरे हमें करना है इनको कट। और ये ऐसे हमने कट कर लिए हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ उठा के एक। ये देखिए कितना सुंदर शेप आया है और कितने सुंदर लग रहा है। आप चाहें तो इनको ऐसे भी खा सकते हैं, पर मैं इनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। ये देखिए, तो इनको आप थोड़ा सा, कभी सूजी थोड़ा सा बिखरती है तो आप, अगर ऐसा लग रहा है तो आप थोड़ा सा पुश कर लो बीच में हथेली में रख के इसको। ये देखिए कितने अच्छे से सारे रेडी हो गए हैं सर्कल शेप। और अब तवे पे थोड़ा सा तेल डालेंगे 2 चम्मच, और उस पर थोड़े से हम डालेंगे सरसों के दाने। और सरसों के दाने जब कड़क जाएँ थोड़ा सा 10 सेकंड बाद हम इस पर डाल देंगे जो हमारे सूजी के बॉल्स थे वो। तो इस तरीके से हम इनको तवे पे फैला देंगे सारे में और इनको सेकेंगे। करीब हमें इनको सेकने में 1 मिनट ही लगेगा। और 1 मिनट हो गया है और मैं आपको पलट के दिखा देती हूँ इसको। ये देखिए कितने अच्छे से सिक गए हैं। और दूसरी तरफ भी हम इन्हें पलट के 1 मिनट के लिए सेक लेंगे। और ये तैयार है हमारे सूजी पोटैटो कटलेट्स। खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं, कबीर कुक्स को सब्सक्राइब करें, खुश रहें। और चलिए कबीर को टेस्ट कराते हैं अब ये। तो आपको भी अगर टेस्ट नाश्ता बनाना है तो कभी तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।